Good morning, students. We are here to discuss about chapter 8, how do organisms reproduce? Reproduction is one of the life processes, but it is not very essential to remain alive. So reproduction is a process by which living organisms produce its own kind. अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जो रिप्रोडक्शन है वो कंटिन्यूटी किसी भी इस रेस की मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है. सो कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे एग्जैक्ट कॉपीज अपनी क्रिएट कर सकता है? ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइन आर सिमिलर, राइट? ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के जैसे होते हैं क्योंकि उनका बॉडी डिज़ाइन सिमिलर है. इफ बॉडी डिज़ाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट फॉर दिस डिज़ाइन शुड बी सिमिलर. इनका ब्लूप्रिंट सेम रहा होगा तभी बॉडी डिज़ाइन सेम है. सो रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट्स ऑफ द बॉडी डिज़ाइन, ठीक है? तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन जाती है वो जाती है जीन्स के थ्रू. आपने नाइन्थ में पढ़ा कि क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में होता है और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है. डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. जो डीएनए है इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स. डीएनए इंफॉर्मेशन लाता है प्रोटीन बनने की. अगर सेम इंफॉर्मेशन आ रही है तो सेम प्रोटीन्स बनेंगे, सेम प्रोटीन्स बनेंगे तो सेम डिज़ाइन बनेंगे. इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज तो डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड एंड डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन. तो देयरफॉर अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी. अब डीएनए कॉपी एग्जैक्ट बनेगी सेम प्रोटीन अगर बने, वरना तो वेरिएशन आएगा. तो सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए. तो दो कॉपीज बनती हैं डीएनए की इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. ये दोनों कॉपीज एक दूसरे से अलग होती हैं. एक कॉपी डीएनए की ओरिजिनल सेल में रहती है और दूसरी कॉपी जो है वो डॉटर सेल में जाती है. सो वन कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट नॉट वर्क. मतलब अगर हम देखें कि यहाँ पर बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट एनी ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस. तो डीएनए अगर कहीं जा रही है तो अगर उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है तो लाइफ मेंटेन नहीं होगी. सो देयरफॉर डीएनए कॉपिंग इज अकम्पनीड बाय क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर एपरेटस एंड देन डीएनए कॉपीज सेपरेट. मतलब डीएनए अकेला जाके कुछ काम नहीं कर पाएगा क्योंकि डीएनए में लाइफ नहीं हो पाएगी विदाउट सेलुलर एपरेटस. सो डीएनए कॉपिंग के साथ साथ किससे अकम्पनीड होगा? बाय द क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेलुलर एपरेटस एंड देन डीएनए कॉपीज सेपरेट ईच विद इट्स ओन सेलुलर एपरेटस. हर डीएनए के साथ उसका सेलुलर एपरेटस होगा. तो इफेक्टिवली अ सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू डॉट टू सेल्स. तो जो टू सेल्स हैं वो क्या होंगी? आर ऑफ कोर्स सिमिलर बट दे आर बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल. वो सिमिलर तो हैं लेकिन क्या वो आइडेंटिकल है? इसका आंसर डिपेंड करता है कि कितना एक्यूरेट कॉपी हुई डीएनए की. नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल. Therefore, it is only to be expected that the process of copying DNA will have some variation. कुछ ना कुछ variation आ ही जाएगा. इसका result क्या होगा? DNA copying generated will be similar but may not be identical to the original. So some of these variation might be so drastic that the new DNA copy cannot work without the cellular apparatus it inherits.
इसका मतलब अगर डीएनए में जो वेरिएशन हुआ वो इतना ड्रास्टिक हुआ कि वो काम ही नहीं करेगा बिना सेलुलर एपरेटस के जो उसने इनहेरिट किया। सच अ न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई, न्यू बॉर्न सेल भी मर जाएगी अगर उसको सेलुलर एपरेटस का सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो ऑन द अदर हैंड देयर वुड स्टिल बी मैनी अदर वेरिएशन इन द डीएनए कॉपीज दैट वुड नॉट लीड टू अ सच ड्रास्टिक आउटकम। Thus, the surviving cells are similar to but subtly different from each other, identical nahi hai. This inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis of evolution. Ye jo change aa raha hai ye evolution ko basis hai. To is chapter mein hum pehle variation ki variations jo aa rahi hain DNA copying ke error ki wajah se uski importance kya hai. हमने देखा कि पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म की वेल डिफाइंड प्लेसेस पर फिट होती है ना, वो अपने हैबिटेट में इजीली सरवाइव कर सकती हैं। सो और उनकी एबिलिटी होती है टू रिप्रोड्यूस। सो द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिज़ाइन। जो बॉडी डिज़ाइन है वो सेम होना चाहिए, उससे ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने में मदद मिलती है। सो रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ स्पीशीज। हाउएवर नीचेस कैन चेंज, नीचेस मतलब वो जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है वो चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ द रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बदल सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बदल सकती हैं। हमने देखा कि टेम्परेचर जो अर्थ का है वो चेंज होता रहता है, कभी ठंड कभी हम देख रहे हैं। तो वाटर लेवल का भी अलग अलग हो सकता है, मीटियोराइट्स का अटैक भी हो सकता है। तो इफ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वर सूटेड टू अ पर्टिकुलर निच, निच वो जगह जहाँ पे वो सर्वाइव कर रहा है, If the niche were drastically altered, the population could be wiped out. अगर वहाँ चेंज आ गया तो हो सकता है पॉपुलेशन वैनिश हो जाए। तो कुछ वेरिएशन ज़रूरी होते हैं कुछ इंडिविजुअल्स में पॉपुलेशन की, देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें कि एक पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की जो कि वो किसी पॉन्ड वाटर में रह रहा था, ठीक है, वहाँ का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर था। अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो ज़्यादातर बैक्टीरिया कोप अप नहीं कर पाएंगे वो हाई टेम्परेचर से, वो मर जाएंगे। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिसमें वेरिएशन आया हुआ है और ऐसे वेरिएंट जो हैं वो उस हाई टेम्परेचर को बेयर कर पाएंगे और सर्वाइव कर पाएंगे। तो वेरिएशन मदद कर सकती हैं सर्वाइवल में अगर वो सपोर्ट हो रही हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर एंड नेचर उसे सपोर्ट कर रहा है सर्वाइव करने के लिए। तो रिप्रोडक्शन के दो मेथड होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता, यंग वंस फॉर्म होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं टू ईच अदर एज वेल एज टू द पेरेंट सेल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में होता है व्हेन देयर इज एन एबंडेंस ऑफ फूड। ये फास्टर मेथड है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स हैं। अब टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फिशन। फिशन का मतलब है टूटना, ब्रेकिंग। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन होता है और जिससे न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं। मैनी डिफरेंट पैटर्न ऑफ फिशन हैव बीन ऑब्जर्व्ड, जैसे बैक्टीरिया प्रोटोजोवा में सिंपली स्प्लिट हो गई एक सेल दो में, दो इक्वल हाफ्स में ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और ईच जो वो डॉटर सेल है वो एक नया इंडिविजुअल की तरह से ग्रो किया। तो दो तरह का फिशन होता है, बाइनरी एंड मल्टीपल। तो बाइनरी फिशन अमीबा में देखा गया, बैक्टीरिया में भी देखा गया। अब प्रोटोजोवा में अमीबा का एग्जाम्पल आ गया, पैरामीशियम। इसमें क्या होता है कि अमीबा में सबसे पहले न्यूक्लियस
इलोंगेट होता है, यहाँ जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, और फिर वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फिर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। तो जो न्यूक्लियस का डिवीजन है वो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, और जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है वो साइटोकाइनेसिस कहलाता है। दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं फेवरेबल कंडीशंस में, और द सेल डिवीजन कैन अकर इन एनी प्लेन अमीबा में, किसी भी डायरेक्शन में सेल डिवाइड हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। और ये जो है नए डॉटर सेल्स नए अमीबा में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म देखें जैसे कि लेशमेनिया, लेशमेनिया एक डिजीज कॉज करता है कालाजर, इसमें एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है एक एंड पर, और इसीलिए जो फिशन है वो डेफिनेट ओरिएंटेशन मतलब डेफिनेट एंगल पे होता है, किसी भी प्लेन में नहीं हो सकता, एक लॉन्गिट्यूडनली हो सकता है, और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से वो दो लेशमेनिया के डॉटर सेल्स बनेंगे और दोनों। तो यहाँ पे डिफरेंस है बाइनरी फिशन इन अमीबा, बाइनरी फिशन इन लेशमेनिया। अमीबा में किसी भी प्लेन पे सेल डिवाइड हो सकती है, बट लेशमेनिया में लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होगी और फिर दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी। मल्टीपल फिशन आप प्लाज्मोडियम में देखा गया और अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशन में। तो प्लाज्मोडियम एक मलेरिया पैरासाइट है, उसमें अनफेवरेबल कंडीशन में पेरेंट सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होती जाती है और एक वॉल फॉर्म कर लेती है जिसको हम बोलते हैं सिस्ट, एक बन गई। विद इन द वॉल द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स मैनी टाइम्स टू फॉर्म मैनी प्लाज्मोडिया यहाँ पर, और जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये सब रिलीज हो जाते हैं और बहुत सारे प्लाज्मोडियम रिलीज हो जाते हैं। तो अमीबा में भी यही देखा गया मल्टीपल फिशन अनफेवरेबल कंडीशन में। अमीबा में भी न्यूक्लियस डिवाइड होता जाता है, रीडिवाइड होता जाता है और साइटोप्लाज्म उसको एनसर्किल कर लेता है और फेवरेबल कंडीशन में वो रिलीज हो जाता है, सिस्ट ब्रेक हो जाती है। अब बडिंग जो है वो यीस्ट में देखा गया। यीस्ट में क्या होता है, एक स्मॉल बड अपेयर होता है, ये प्रैक्टिकल बुक में आपको डायग्राम दिखाई देगा, और वो स्मॉल बड जो अपेयर होता है वो डिटैच नहीं होता शुरू में, एक चेन बनती जाती है न्यू बर्ड्स की, और फिर वो डिटैच हो जाते हैं और बहुत सारे डॉटर सेल्स बनते हैं और सब एक नए इंडिविजुअल में ग्रो कर लेते हैं। तो आउटग्रोथ अपेयर होती है, न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड होता है, एक न्यूक्लियस मूव करता है आउटग्रोथ में और एक पेरेंट सेल में ही रहता है, और If the conditions are highly favorable, a chain of birds is formed. ठीक, तो दूसरा method है fragmentation. ये multicellular organism में देखा गया जिसमें simple body design हो, जैसे spirogyra में, तो उसमें जो filamentous body होती है वो break हो जाती है smaller pieces में या fragments में, और each fragment has the capacity to form a new individual. However, all multicellular organisms cannot show cell by cell division as cells from tissues. क्योंकि और multicellular organism में क्यों नहीं होता fragmentation? क्योंकि tissue बन जाते हैं, tissue से organ बन जाते हैं. So these organs are placed at definite position in body. So इसलिए fragmentation applicable नहीं होता सारे multicellular organism में. हाँ, स्पायरोगायरा में होता है। तो थैंक यू वेरी मच, हम नेक्स्ट टाइम